करीना कपूर खान की फैंस के लिए हाल ही में एक राहत भरी खबर आ चुकी है। बता दें आपको, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण करीना कपूर में नहीं पाए गए हैं। जी हां, करीना कपूर 13 दिसंबर के दिन कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और तब से करीना कपूर होम क्वारंटीन में है। आइसोलेशन में रह रही करीना कपूर अपने पूरे ही परिवार को काफी ज्यादा मिस कर रही हैं, तो वहीं अपने पति सैफ अली खान और अपने दोनों लाडली बेटों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान से दूर नहीं रह पा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए करीना अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई देखी जा रही हैं। करीना के साथ साथ उनके दोनों बेटों तैमूर और जहांगीर को भी क्वारंटीन किया गया है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद करीना कपूर खान की ओमिक्रॉन वेरिएंट की टेस्ट सैंपल भी लिए गए थे। करीना कपूर का ओमिक्रॉन वेरिएंट की मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, जिसके अनुसार बता दें आपको, करीना कपूर की ओमिक्रॉन वेरिएंट टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फैंस के लिए, पूरे ही परिवार के लिए ये राहत भरी खबर है। करीना कपूर के सैंपल ओमिक्रॉन की जांच के लिए मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल भेजे गए थे। वहीं अब करीना कपूर पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए करीना कपूर अपने दिल की बातों को भी शेयर करती हुई नजर आ रही है। जैसा की आप जानते है कि देशभर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र और मुंबई में हर दिन कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता हुआ देखकर मुंबई में धारा 144 भी लागू की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले फिल्म मेकर करण जौहर ने एक पार्टी होस्ट की और इस पार्टी में करीना कपूर, अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा, करिश्मा कपूर, संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर, सोहेल खान की पत्नी सीमा खान शामिल हुई और इन सभी का कोविड-19 टेस्ट किया गया। करीना कपूर, अमृता अरोड़ा और सीमा खान और महीप कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद से इन चारों को क्वारंटीन किया गया है और करीना का ओमिक्रॉन टेस्ट रिपोर्ट अब सामने आ चुका है। करीना पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देख रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।